नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह और आज हम लोग जा रहे हैं काली मंदिर नया डंगाल निरसा धनबाद झारखंड। तो हम लोग झारखंड के धनबाद जिले के निरसा क्षेत्र में नया डंगाल जा रहे हैं, जो कि निरसा से 2 किलोमीटर और धनबाद से अप्रोक्सीमेट 32 किलोमीटर पर स्थित है नया डंगाल। तो वहाँ जाकर देखते हैं। हम जिस काली मंदिर आपको ले जा रहे हैं, शायद ही ऐसा काली मंदिर आपने कभी देखा होगा। ये काफ़ी सुंदर और मोहक मंदिर है, आप आएंगे तो दोबारा जरूर आएंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए छोटा सा आपको दिख रहा होगा, छोटा छोटा, हमें वही जाना है, बहुत नज़दीक है, ज़्यादा दूर नहीं है। चलिए चलते हैं। तो देखिए आप पहुंच चुके हैं पूरी अच्छी तरह से और आपको साफ साफ दिखने लगा है मंदिर परिसर। यह है काली मंदिर, बीच में एक सेंटर मंदिर है और चारों तरफ पिलर है और पिलर में छोटा छोटा मूर्ति है। और मैं पहुंच चुका हूं, मैं अपना बाइक पार्क करता हूं और आपको दिखाता हूं मंदिर परिसर। तो देख सकते हैं हम लोग आ गए हैं तालडंगा काली मंदिर, नया डंगाल काली मंदिर, जो कि स्थित है निरसा में, जो कि धनबाद में पड़ता है, धनबाद से 30 किलोमीटर और निरसा बाजार से अप्रोक्सीमेट 2 किलोमीटर। और ये और आपको मिलाते हैं, ये मेरा है नेफ्यू वैभव, विभोर, सॉरी भूल जाते हैं क्योंकि हम घर का नाम जानते हैं ना, हम लोग घर का नाम बोलते हैं ज्ञान, तो हम लोग ज्ञान पता है। और ये मेरा है नीज, क्या नाम है तुम्हारा बता दो तुम, परी। तो हमारे लिए इंट्रो दे दो, कहाँ पहुँच चुके हैं हम लोग, नया डंगाल पहुंच चुके हैं। और हमारा दो और नीज आ रही है दौड़ते, देखिए। तो ये दो और आ चुकी है, तो ये भी आ चुके हैं यहाँ पर। तो हम लोग सब मिलके आज ब्लॉग बनाएंगे इस नया डंगाल काली मंदिर का। और एक हमारे नीज और भी है, देखो यहाँ पर ये है, क्या नाम है तुम्हारा, शिवानी। ये मेरी नीज का क्लोज फ्रेंड। तो आइए चलते हैं हम लोग इस मंदिर परिसर में और देखते हैं अंदर का नजारा। तो चलिए, आप ये जो सेंटर में मंदिर देख रहे हैं, इसमें माँ काली की प्रतिमा है और चारों गुंबद में शनि गणेश शिव जी ये सब का प्रतिमा स्थापित है, हर गुंबद में भी और सेंटर में भी। काफ़ी अच्छा है, चलते हैं मंदिर की ओर। तो चलिए चलते हैं इस मंदिर परिसर के अंदर और देखते हैं माँ काली की प्रतिमा। और ये मुख्य मंदिर का मुख्य प्रतिमा है जो माँ काली का है, जो आप देख रहे हैं बहुत ही मोहक मूर्ति है, आप देख सकते हैं। और ये है पूजा का छोटा सा स्थल जहाँ छोटा मूर्ति भी स्थापित है। देखिए कितना सुंदर है मूर्ति है। और ये है उसका परिसर छोटा, आप यहाँ फेरे वेरे ले सकते हैं, है ना, वो फेरे वगैरह भी ले सकते हैं। और ये देख रहे जो राम मंदिर है, ये राम मंदिर है, बन रहा है अभी राम मंदिर। और यहाँ एक और छोटा सा मंदिर बन रहा है। और चलते हैं गुंबद की ओर और देखते हैं सारे प्रतिमा। तो ये पार्वती माँ का मंदिर, हर पिलर में छोटा छोटा नीचे मंदिर टाइप है। और ये है शनि महाराज, तो
उसमें चलते हैं। ये थर्ड पिलर में क्या है आप दिखा देते हैं। गणेश जी, शिव जी हैं, शिव जी। तो थर्ड पिलर में है, थर्ड में है गणेश जी, देख सकते हो ऊपर बोर्ड देख सकते हैं, और ये प्रतिमा। और जाते हैं फोर्थ पिलर पर, फोर्थ पिलर पर ये हैं शिव जी। तो शिव जी वाला मैं दिखा दूं, ये है फोर्थ पिलर शिव जी, और ये शिव प्रतिमा, और जहाँ शिव जी वहाँ नंदी जी भी हैं, नंदी जी। तो ये पूरा परिसर नंदी जी, और ये पूरा परिसर देख सकते हैं। बैठने का उत्तम व्यवस्था है, आप फैमिली के साथ आए तो बैठ सकते हैं, घूम सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मन को खुश कर देने वाला स्थान है। और जो देख रहे पीछे, वो राम मंदिर बनने वाला है, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है ना, राम मंदिर। ये है मेन मंदिर जो कि काली माँ का है। एक्चुअली ये पुराना मंदिर था पहले, छोटा सा, उसी पर ये नया। और ये आप देख सकते हैं मंदिर परिसर के पीछे का हिस्सा, जहाँ आप छोटे छोटे झूले लगे हुए हैं। एक्चुअली ये धाम बन चुका है, जहाँ शादी ब्याह सब कुछ होते हैं। तो आप शादी के लिए भी रूम बुक कर कर यहाँ शादी भी होते हैं, तो आप शादी भी करवा सकते हैं किसी का यहाँ पर इस धाम में। और ये परिसर देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारा झूला और खेलने का सामान है, एक ही पूरा मंदिर परिसर। तो तरह तरह का झूला भी लगे हुए हैं, और काफ़ी बड़ा एरिया में फैला हुआ है। और अभी मंदिर और बन ही रहा है, तो आप आइए मजे लीजिए इस मंदिर परिसर का। ये धनबाद के निरसा क्षेत्र के नया डंगाल में स्थित है, आप आइए। और यहाँ झुलुआ का व्यवस्था है, पूरा अच्छा है, सीन भी अच्छा है। नहीं है, एकदम नहीं, आप एकदम उसी तरह से हीरो है, पहले भी हीरो थे, अभी भी हीरो है। तो हम लोग चेंज नहीं हुआ, बहुत दिनों बाद, कितने साल बाद मिल रही है, मिल रहा है हमसे। हम शायद 7-8 में होंगे उस समय, 7-8 में होगा तब मिले हैं, मतलब कम लोग, ऑलमोस्ट तो ऑलमोस्ट हो गया 20 साल से ऊपर हो गया, 20 साल प्लस, इक्कीसवा साल बाद, 21 साल बाद इसे मिल रहे हैं इत्तेफाक से, इत्तेफाक से हम लोग मिल गए हैं। मम्मी भी आई है, भी सरप्राइज से देख रही है, देखिए हमको भी, अब हम लोग मिलते हैं। एक्चुअली बहुत सालों बाद मुझे एक मित्र के भाई, छोटे भाई मिल गए थे, जिनसे बहुत वार्तालाप हुई और बहुत बात हुई, अचानक मिल गए, तो बहुत साल, लगभग 20 साल बाद, तो बहुत खुशी हुआ। देख सकते हैं काफ़ी अच्छा झूला का व्यवस्था है, और देखिए ये भी बहुत अच्छा है, काफ़ी मजे किए इस झूले पर हम लोगों ने। नदी साइड। तो अभी कहाँ थे हम लोग? Let's go. कहाँ जा रही है? हम लोग अभी नदी के तरफ जा रहे हैं, नया डंगल का। नया डंगल का नदी और ना? ये देखिए, 1, 2, 3, ये सब तीनों मेरा नीज। चलते हैं रिवर व्यू में। किधर है? ओ, नीचे। क्या बोलते हैं, सतघाटी। बहुत
तो हम लोग आ गए हैं उसी मंदिर परिसर की तरफ, रिवर व्यू, जहाँ छोटा छोटा वाटरफॉल भी है, नीचे है ना, वाटरफॉल भी है, तो देखेंगे हम लोग वाटरफॉल को भी देखेंगे। वाटरफॉल बहुत ही, ये है वाटर व्यू, वाटरफॉल, रिवर व्यू उसी मंदिर परिसर का, और ये है मिनी वाटरफॉल, देख सकते हैं। हम लोग उस रास्ते से आ रहे थे और ये पूरा नदी का व्यू है, एक छोटा सा वाटरफॉल, ये पूरा। तो देखिए हमारा नया डंगाल का वाटरफॉल उसी मंदिर परिसर का ये हिस्सा है। हम लोग आज जब भी आते तो इस रिवर व्यू को देखने जरूर आते हैं। बारिश होती तो और ज्यादा मोहक दृश्य हो जाता है, देख सकते कितना सुंदर है। आइए मस्त घूमिए, आज के लिए बस इतना वीडियो में, आप आइए, हमेशा आइए, काफी अच्छा लगेगा। ये धनबाद से 30 किलोमीटर दूर निरसा में स्थित है और निरसा बाजार से 2 किलोमीटर नया डंगाल काली मंदिर, किसी से पूछिएगा आप आ सकते हैं। तो काफी मनमोहक ये दृश्य है, देख सकते हैं वाटरफॉल का नजारा ले सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे वाटरफॉल आगे भी है, तो आप देख सकते हैं। तो चलते हैं वापस।